आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो ये वो सिस्टम है जो कि ह्यूमन बॉडी यूज़ करती है डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। उर्दू में डाइजेस्टिव सिस्टम को निज़ाम कहते हैं, और ये वो निज़ाम है जिसके ज़रिए इंसानी जिस्म अपना खाना हज़म करता है। डाइजेशन का जो वर्ड है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी कैसे वो खाना जो आप खा रहे हैं उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करती है, और देन वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो एनर्जी, ग्रोथ और सेल रिपेयर के लिए यूज़ होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक। इसको हम GIT या गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। एक लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब है जो कि आपके माउथ के लेवल से स्टार्ट होती है और एंड होती है आपके एनस पे। एनस जो है लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक का और GIT ट्रैक का। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो हमारे पास बेसिकली 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, माउथ, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो हमारे पास 2 मेन कैटेगरीज हैं ऑर्गन्स की। पहले आ जाएगा हमारे पास होलो ऑर्गन्स, देन हमारे पास आएंगे सॉलिड ऑर्गन्स। होलो ऑर्गन्स में वो ऑर्गन्स आ जाएंगे जो अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है, होलो होते हैं। इसमें आ जाएगा इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। सॉलिड ऑर्गन्स में हमारे पास आ जाएगा लीवर, पेंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। अब हम बात करेंगे माउथ की। माउथ जो है ये स्टार्ट जहाँ से होता है डाइजेस्टिव ट्रैक, ये वो पार्ट है, और उसके बाद ये बैगनिंग है बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक की। उसके बाद इसके 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं, च्यूइंग एंड सलाइवा। च्यूइंग मतलब ये एक तो खाना चबाने में हेल्प आउट करता है माउथ, और दूसरा काम ये कि सलाइवा प्रोवाइड करता है। च्यूइंग की वजह से खाना जो है छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट होता है और उसको ईजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है। और सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स होता है और उसको ब्रेक डाउन करता है, तो वो इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसकी वजह से जिस फॉर्म को बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है और यूज़ कर सकती है। अब इसके हम पार्ट्स देख लेते हैं। इसके पार्ट्स में आ जाएंगे गम्स, गम लाइन है, उसके बाद टीथ हैं, टंग, लिप, और फिर टूथ की सर्फेसेस हैं, इनसाइड अंदर वाली सर्फेस, च्यूइंग वाली ऊपर वाली सर्फेस और आउटसाइड बाहर वाली सर्फेस। अब हम बात करेंगे इसोफेगस की। तो इसोफेगस हमारे पास मस्कुलर ट्यूब है जो कि थ्रोट को स्टमक के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ये 8 इंचेस लॉन्ग है, इसकी लेंथ की बात करें तो, और इसके अंदर लाइनिंग हुई है मॉइस्ट पिक टिशू, और उस लाइनिंग को हम कहते हैं म्यूकोसा, और ये एपिथेलियल टिशू की टाइप है, ठीक है। उसके बाद इसकी लोकेशन की बात करें तो ये विंड पाइप या ट्रैकिया जिसे हम कहते हैं, और ये हमारे लंग्स के साथ अटैच होता है और रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करता है। उसके यानी कि ट्रैकिया और हार्ट के पीछे और स्पाइन हमारी रीढ़ की हड्डी के आगे पड़ा हुआ होता है इसोफेगस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टमक। स्टमक जो है हमारे पास एक मस्कुलर और जे शेप होती है, इस टाइप का ऑर्गन है, और ये फूड रिसीव करता है इसोफेगस से। देखें जहाँ पे इसोफेगस एंड हुआ वहाँ से आगे स्टमक स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है कि फूड को होल्ड करके रखेगा, और ये मिक्सर और ग्राइंडर के तौर पे काम करता है। इसके अलावा ये सिक्रेट करता है कुछ एसिड और एंजाइम्स जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl भी कहते हैं। अब ये फूड को कन्वर्ट करता है लिक्विड या पेस्ट की फॉर्म में। लिक्विड या पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट ऐसे करता है क्योंकि मिक्सिंग करेगा, ग्राइंडिंग करेगा, तो ऑब्वियसली फूड जो है वो पेस्ट या लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसके पार्ट्स को थोड़ा देख लेते हैं। तो ये इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज़ फंडस, सेंटर में आ जाएगी बॉडी, और देन एंट्रम है, पायरोलस है और कार्डिया। इसके अंदर कुछ स्पिंक्टर्स होते हैं, एक स्टार्ट में स्पिंक्टर लगा होता है और एक एंड में, इसको हम वेल्व भी कहते हैं, ताकि फूड जो है जो नीचे आ गया दोबारा वापस बैक फ्लो ना हो सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में पड़ी होती है, और लेंथ की बात करें तो 20 फीट लॉन्ग है। इसके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। ये क्या करती है कि बाइल को रिसीव करती है और पेंक्रियाटिक जूस को पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए इसमें आते हैं, और वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। उसके बाद एंड एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का, वो यहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे। अब इसके पार्ट्स के हवाले से इसका काम देखते हैं। अब ड्यूडेनम जो इसका फर्स्ट पार्ट है, वो उसका मेनली काम ये होता है कि वो ब्रेक डाउन करता है फूड को, ठीक है। और उसके बाद जेजनम और इलियम सेकंड और थर्ड पार्ट का काम ये होता है कि वो एब्जॉर्प्शन करें न्यूट्रिएंट्स की इनटू द ब्लड स्ट्रीम, न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के अंदर भेज देते हैं। अब इसके पार्ट्स को ज़रा डायग्राम से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, येलो कलर में शो किया हुआ है इस डायग्राम में इन्होंने। ये सेकेंड पार्ट जेजनम एंड दिस इज इलियम।
उसके बाद हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज बाउल या कोलन भी कहते हैं। ये लास्ट पार्ट है GIT का, ठीक है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 5 to 6 feet लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। इसके 4 parts होते हैं, ठीक है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलन। वाटर जो है इस लेवल पे आके एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल, जब वाटर को निकाल के जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, वो स्टोर्ड होता है एज फिसेस। और तब तक स्टोर्ड रहता है जब तक कि उसको डेफिकेशन के प्रोसेस से बॉडी से बाहर ना निकाल दिया जाए। अब इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देखते हैं। ये इसका असेंडिंग कोलन फर्स्ट पार्ट, देन ट्रांसवर्स कोलन, दिस इज़ डिसेंडिंग कोलन एंड दिस इज़ सिग्मॉइड कोलन। और इसका रेक्टम और इसके एंड पे जो है वो NS आ जाएगा। अब हम बात करेंगे लीवर की। तो लीवर एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है और ये इसकी शेप जो है कोन की तरह होती है। वेट इसका 3 pounds है और इसका काम क्या होता है कि वो ब्लड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं, उसको क्लेंस करे और प्योरीफाई करे, ब्लड को साफ़ करता है। इसके शेप की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके 2 lobes हैं, राइट लोब है और लेफ्ट लोब है। राइट लोब जो है वो साइज़ में बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट लोब, और इसके साथ गॉल ब्लैडर अटैच होता है। अब हम बात करेंगे पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज एक इलोंगेटेड और टेपर्ड ऑर्गन है और ये बैक ऑफ द बैली यानी कि स्टमक के बैली के पीछे बड़ा हुआ होता है। और इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके डिवाइड होता है हेड में, नेक, बॉडी एंड टेल। उसको आगे हम डायग्राम में क्लियरली देखेंगे कि कौन सा पार्ट कैसे डिवाइड हुआ हुआ है। उसके बाद इसका काम ये है कि ये सिक्रीट करता है एंजाइम्स को, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। अब एंजाइम जो सिक्रीट करता है, उनका काम क्या होता है, अब जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर फैट भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है। इन तीनों चीज़ों को, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स पेंक्रियाज में से आते हैं। अब इसके पार्ट्स देखें, यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। अब हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर की। तो गॉल ब्लैडर जो है वो एक स्मॉल पाउच है जो कि लीवर के नीचे पड़ा हुआ होता है और इसके 3 parts होते हैं, ठीक है। इसका फंडस है, बॉडी है, नेक है। अब इसका काम क्या होता है कि लीवर जो है हमारा बाइल प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर क्या करता है कि बाइल को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब जब हम खाना खाते हैं, मील के दौरान गॉल ब्लैडर जो है वो कंट्रैक्ट होता है। कंट्रैक्शन की वजह से वो बाइल जो है उसमें से निकल कर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फूड को डाइजेस्ट करता है। अब हम गॉल ब्लैडर की थोड़ा शेप देख लेते हैं और थोड़ा मैकेनिज्म समझते हैं। ये इसका नेक है, ये बॉडी और ये फंडस। ये इसकी सिस्टिक डक्ट है, हेपेटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट। हेपेटिक डक्ट जो है वो लीवर के साथ अटैच होती है। यहाँ से बाइल लीवर से आके इसमें स्टोर होता है और जब ज़रूरत होती है, मील आता है इनके, जब हम खाना खाते हैं, तो यहाँ से निकल के बाइल और कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।